नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल, आपसे स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों जिस तरह से मेरे पिछले वीडियो है उस तरह से आज का वीडियो भी एकदम स्पेशल बनने वाला है दोस्तों, बढ़िया बनने वाला है। आपको वीडियो को बस ध्यान से देखना है, स्टार्ट टू एंड तक आपको ध्यान से देखना है, आपको एक बढ़िया जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, यस आपके करियर के बारे में। ओके, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे नहीं होंगे तो आप जाकर के देख सकते हो, आपको वहां पे अच्छी खासी जानकारी मिल जाएंगी, करियर के बारे में मिल जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको इंजीनियरिंग के बारे में वहां पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको आपके मैनेजमेंट फील्ड के बारे में भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। ओके, तो अलग अलग फील्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज बनाए हैं, तो आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों फूड इंडस्ट्री के बारे में। यस, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे अपना जो करियर है वो फूड इंडस्ट्री में बनाना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बनाना है, ओके, तो आपके लिए दोस्तों आज बढ़िया जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। ओके, तो हम खास करके बात करेंगे फूड इंडस्ट्री के बारे में। यस, और आपको बता दूं दोस्तों, ये फूड इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यू ग्रो होने वाली फील्ड है, बिकॉज द फूड इंडस्ट्री इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द ह्यूमन। यस, जब तक इंसान जिंदा है तब तक फूड इंडस्ट्री भैया ग्रो होती रहेगी। यस, क्योंकि जो भी सारे फूड वगैरह है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको डेयरी इंडस्ट्री में आपको अगर करियर बनाना है तो वो भी ग्रोइंग फील्ड है। हम हर रोज इंसान जो है डेयरी के प्रोडक्ट जो है, मिल्क प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम करता है, राइट? तो जब तक इंसान कंज्यूम करते रहेगा तब तक डेयरी इंडस्ट्री ग्रो होती रहेगी। ओके, दिस इज अ कॉमन सेंस, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि डेयरी इंडस्ट्री में मेरा करियर बना हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाद में है दोस्तों फूड प्रोसेसिंग, ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप अपना करियर बना सकते हो। बाद में है रेफ्रिजरेशन में भी आपको अच्छा खासा करियर है। अगर फ्रूट और वेजिटेबल इंडस्ट्री में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस इंडस्ट्री में। यस, और दूसरा जो है दोस्तों फिशरीज। यस, फिशरीज में अगर आप, फिश इंडस्ट्रीज में अगर आप जाना चाहते हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत लाभदायक बनने वाला है दोस्तों। यस, वीडियो को ध्यान से देख लेना, ओके, क्योंकि अच्छी खासी जानकारी आपको मिलने वाली है। बाद में चॉकलेट इंडस्ट्री, हम लोग चॉकलेट जो खाते हैं रोज, छोटे से लेकर बड़े तक जो चॉकलेट हम खाते हैं वो है चॉकलेट इंडस्ट्री दोस्तों। अगर आपने कभी सोचा होगा कि चॉकलेट किस तरह से बनती है, हम जो चॉकलेट खाते हैं वो किस तरह से बनाई जाती है दोस्तों, तो आप जब फूड इंडस्ट्री में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रोसेसिंग किया जाता है चॉकलेट बनाने के लिए। ओके, तो ये भी एक बढ़िया इंडस्ट्री है। ओके, और दोस्तों मिनरल वाटर, आपको तो पता है वाटर इंडस्ट्री, बिस्लरी आपको पता होगा दोस्तों। ओके, किस तरह से वाटर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, बिस्लरी की तरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वाटर बॉटल्स बेचती है। ओके, अभी पानी तो कीमती है भैया, है ना, पैसा देके आपको पानी खरीदना पड़ता है, तो ये इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है आगे। ओके, तो आप सोचोगे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भैया मेरा करियर फूड इंडस्ट्री में, तो आप सोच लो भैया फ्यूचर एकदम ब्राइट है इसमें, आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। ओके, और आपका करियर, आपका फ्यूचर बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। बट जिस तरह से ह्यूमन जो है, जिस तरह से फूड कंज्यूम करते रहेगा तब तक इंडस्ट्री भी भैया बढ़ती रहेगी। ओके, तो फूड के बिना तो इंसान रह नहीं सकता, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। ओके, तो आप इसमें करियर बना सकते हो। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, ओके, किस तरह के कोर्सेस है, ओके, इसके लिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किसके 10th के बाद में कर सकते हो, 12th के बाद में कर सकते हो, किस तरह के कोर्सेस है, कौन कौन से कॉलेजेस है, उनकी फीस क्या है भैया, सैलरी कितनी मिलती है, आखिर सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो सैलरी कितनी मिलती है ये भी आपको अच्छी खासी जानकारी मैं आज बता दूंगा। ओके, तो पहले बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। आप सोच रहे होंगे भैया फूड प्रोसेसिंग में किया क्या जाता है दोस्तों। ओके, तो हम बात करेंगे जो फूड है वो प्रिजर्वेशन से लेकर के पैकेजिंग तक, ये सारा प्रोसेस है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और पैकेजिंग ऑफ द फूड, ये सारा प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ये सारा आपको इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, और दूसरी जो बात है दोस्तों, अभी जो रॉ मटेरियल बनता है, अभी जो भी फाइनल फूड होता है, इंसान तक पहुंचने वाला फाइनल फूड, वो रॉ मटेरियल से बनता है, राइट? इनिशियल स्टेज जो उसका रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करना है फूड में, खाने लायक फूड में, तो ये सारा प्रोसेस आपको इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में पैकेजिंग इंडस्ट्री, यस, पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी आप अपना करियर बना सकते हो दोस्तों। ओके, तो आप सोचोगे कि भैया पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या है, तो पैकेजिंग आपको बता दूं कि अभी आपने समझो बालाजी का वेफर का पैकेट खरीदा, राइट? तो आपने वहां पे विश्वास रखा है कि यस दिस इज फूड, दिस फूड इज फ्रेश, राइट? तो उस फूड को फ्रेश रखने के लिए भैया बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है पैकेजिंग इंजीनियर को। ओके, उनको सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम इस पैकेज को डिजाइन करें जिससे
कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने तक ये फूड फ्रेश रहेगा। ओके, ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, ये पैकेजिंग इंजीनियर का काम होता है। मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन किस तरह से पैकेज पे होना चाहिए, ओके, किस तरह से फूड को पैकेज करना चाहिए ताकि सारे न्यूट्रिशंस जो है वो इंसान को मिल सके, ह्यूमन को मिल सके खाने वक्त, तो ये सारी बातें जो है वो पैकेजिंग इंजीनियर का काम होता है दोस्तों, इसको डिजाइन करना। तो अगर आप सोच रहे हो कि भैया मुझे पैकेजिंग डिजाइनर बनना है, पैकेजिंग इंजीनियर बनना है, तो भी आप फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो, इसमें अपना करियर बना सकते हो दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इंजीनियर, पैकेजिंग इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोइंग फील्ड है भैया। ओके, आप एकदम से इसमें अगर करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, ओके, जिसमें आप जा सकते हो। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है दोस्तों जहां पे रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, जैसे कि डाबर इंडिया हो गया, ओके, हम सबको पता है डाबर कंपनी। बाद में आईटीसी लिमिटेड में आप अपना करियर बना सकते हो। बाद में एग्रोटेक है, पार्ले प्रोडक्ट्स है भैया, हम पार्ले के प्रोडक्ट्स खाते हैं कि नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो पार्ले प्रोडक्ट्स में भी हमेशा रिक्वायरमेंट होती है फूड इंजीनियर की। ओके, बाद में है कैडबरी इंडिया लिमिटेड, यस भैया कैडबरी किसको पसंद नहीं है, है ना। तो अगर चाहते हो कि भैया मैं कैडबरी इंडस्ट्री में मुझे काम करना है, तो भैया आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बाद में है नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेस्ले के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट हमको पता है ना, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं नेस्ले इंडस्ट्री में काम करना है, तो आप वहां पे जा सकते हो फूड टेक्नोलॉजीज के रोल पे। ओके, बाद में है पेप्सिको इंडिया, बाद में ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ब्रिटानिया किसको पता नहीं, ब्रिटानिया के बिस्किट खाते हो भैया, तो आपने कभी सोचा है कि ब्रिटानिया के बिस्किट किस तरह से बनते हैं, ओके, क्या प्रोसेसिंग है, किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है उस फूड को। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस फील्ड में आपको जाना होगा, और उस फील्ड में जाकर के आपको यह सब पता लग सकता है दोस्तों। बाद में है हिंदुस्तान यूनिलीवर, कितनी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आपका सपना होगा कि भैया मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करना है एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाद में है गोदरेज इंडस्ट्रीज, ओके, तो इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री हमेशा रिक्वायरमेंट होती ही है भैया, इस ये ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको पहले ही बोला है, दिस इज द ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो और आपको मैं बता दूं कि आपको किस तरह से क्राइटेरिया आपको इसमें होना चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए। ओके, तो जनरली इसमें आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी है, अगर आपने 10th पास किया है और आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा कोर्सेज आपको करने होंगे, 3 years ऑफ डिप्लोमा इज देयर। ओके, सो डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन फूड प्रिजर्वेशन आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, इस तरह से डिप्लोमा के कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। 3 साल का डिप्लोमा इसमें होता है, अगर आप चाहते हो कि भैया नहीं मैं तो 10वीं मेरी खत्म हो गई, अभी 10वीं के बाद में मुझे सीधा फूड प्रोसेसिंग में जाना है, तो आप इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो दोस्तों। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। बाद में है डिग्री कोर्सेस, यस, अगर आप इसमें डिग्री ग्रेजुएशन करना चाहते हो फूड इंडस्ट्री में, तो आपको 12th आपका पीसीएम ग्रुप होना चाहिए या तो पीसीबी ग्रुप होना चाहिए, यस, मैथमेटिक्स या तो बायोलॉजी, आपको दोनों में से आपका कोई भी अगर एक ग्रुप होगा तो आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो, यस, बट साइंस इज कंपलसरी। ओके, 12th साइंस आपका कंपलसरी होना चाहिए, उसके बाद में आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो दोस्तों, इसके लिए ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसमें ग्रेजुएशन के कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, बाद में आप देखते हैं। बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो 12th के बाद में। ओके, बाद में है बीएससी इन फूड साइंस, यस, दिस इज ऑल्सो अ गुड कोर्स। बाद में है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, यस, अगर आप इंजीनियरिंग इसमें करना चाहते हो तो भैया आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए 12 साइंसेस कंपलसरी। और ओके, आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे कम कॉलेजेस है जिसमें फूड इंडस्ट्री के कोर्सेस प्रोवाइड करती है वो कॉलेजेस। ओके, तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि कॉलेज में ही दोस्तों स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैंने जो बात की अभी इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, वो बड़ी बड़ी कंपनीज कॉलेज में जाकर स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा पैकेज देके, और वहां पे बस आपको जॉब की चिंता नहीं रहती, आपको जॉब मिल जाता है, क्योंकि ओके इसका इंटेक जो कट ऑफ जो होता है वो भी बढ़िया रहता है दोस्तों। ओके, आपको 12th में अच्छे खासे परसेंटेज होने चाहिए, सीईटी में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ओके, जेईई में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो दोस्तों। ओके, बाद में ये तो हो गया, उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो आप इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। एमटेक इज आल्सो अवेलेबल, एमटेक इन फूड इंडस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी इज आल्सो अवेलेबल। ओके, तो आप एमटेक कर सकते हो, बाद में पीएचडी भी आप इसमें कर सकते हो भैया, आप पूरा लंबे तक जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। ओके, और बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका रोल क्या रहेगा, रोल अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो आपका रोल क्या रहेगा इंडस्ट्री में। तो आपको बता दूं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट करके आपको सिलेक्ट किया जा सकता है,
फूड साइंटिस्ट करके आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, बाद में अगर फूड इंजीनियर करके भी आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड है। अगर आप पैकेजिंग में जाना चाहते हो तो पैकेजिंग कोऑर्डिनेटर करके आपको सिलेक्ट किया जा सकता है बाद में, पैकेजिंग डेवलपमेंट, पैकेजिंग प्रोसेस लीडर, पैकेजिंग ऑपरेटर, ओके, पैकेजिंग इंजीनियर, पैकेजिंग डिजाइनर, इस तरह से दोस्तों अलग अलग पोस्ट, अलग अलग वैकेंसीज कंपनीज में निकलती है। ओके, तो आप मतलब ये सोचना मत कि भैया मैंने ये कोर्स कर लिया तो अभी मुझे अपॉर्चुनिटी रहेगी कि नहीं, तो 100% इसमें अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, हमेशा इसमें रिक्वायरमेंट रहती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। ओके, तो मैंने पहले ही कहा है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये फूड इंडस्ट्री भी जिंदा रहेगी दोस्तों। ओके, तो ये थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रख लेना कि फूड इंडस्ट्री ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अभी बात करेंगे सैलरी। सर आपने तो ये सारा बता दिया लेकिन सैलरी कितना मिलेगा इसमें, सैलरी क्या है? तो आपको बता दूं, अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा फ्रेशर हो फूड इंडस्ट्री में, अगर आपने डिप्लोमा किया है फूड टेक्नोलॉजी में, तो आपको 15,000-20,000 तक आपको सैलरी मिलेगा, 15,000-20,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है। ओके, डिप्लोमा करके। ओके, बाद में अगर आपने डिग्री की है, बीटेक किया है आपने, तो आपको 25,000-35,000 का सैलरी इसमें मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी। यस, आपको अगर एक साल का, दो साल का एक्सपीरियंस इसमें हो गया, ओके, एज ए पैकेजिंग इंजीनियर या टेक्नोलॉजिस्ट करके, तो भैया इसमें तो भैया आप ग्रो ही करने वाले हो। ओके, आपको 40-50-60 फिर उसका नो लिमिट। ओके, आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको स्टार्टिंग में 40,000 सैलरी मिल सकता है, 40-50, डिपेंड्स ऑन कंपनी। ओके, आप बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अगर जॉब मिलती है, ओके, तो आपको भैया 50,000 तो आसानी से मिल सकता है अगर आपने मास्टर किया है तो। ओके, तो ये हो गया सैलरी की बात। ओके, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसमें बुक्स अगर आप रेफर करना चाहते हो तो कौन कौन से बुक्स है। तो एक जो है टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, एक बुक है, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। ओके, टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन का ये बुक आप खरीद सकते हो, मार्केट से पढ़ सकते हो। बाद में फूड प्रोसेसिंग करते हैं, कार्ल जे शार्स्के का एक बुक है। ओके, यहाँ पे भी आपको उसका इमेज दिख रहा होगा, तो आप जाके खरीद सकते हो, आपको ये बुक्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। बाद में है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन बाय शिवा शंकर, यस, दिस बुक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि मुझे बुक्स मुझे खरीदने हैं तो आप इस तरह के बुक आप खरीद सकते हो मार्केट से। ओके, तो भैया हम बात करेंगे कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी टॉप कॉलेजेस है जो इस तरह के कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, मैंने पहले ही कहा है कि इसमें बहुत गिनी चुनी कॉलेजेस है। ओके, ऐसा इस तरह जिस तरह से अलग अलग ब्रांचेस होती है इंजीनियरिंग की, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मैकेनिकल, कंप्यूटर, ये हर एक कॉलेजेस में ये ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। लेकिन ये फूड टेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है वो आपको बहुत कम कॉलेजेस इसकी रहती है। तो यही दोस्तों बेनिफिट आपको इसमें मिलता है कि कॉलेजेस गिनी चुनी होती है और सारी कॉलेजेस अच्छी खासी कॉलेजेस, कॉलेज में ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज कॉलेज में जाके स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको सैलरी की चिंता नहीं है, अगर आपका प्लेसमेंट हो गया तो भैया प्लेसमेंट हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में आपको 50,000 का सैलरी मिल जाए, बीटेक के बाद में भी 60,000-70,000, डिपेंड्स ऑन कंपनी। ओके, और अगर आप आईआईटी में से तो फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हो तो भैया फिर आप सोच नहीं सकते। तो फ्रेशर को भी तो भैया आईआईटी का आपको पता ही है 12-15-20 लाख का पैकेज मिलता है। ओके, तो डिपेंड्स आप अभी पढ़ाई कैसे कर सकते हो, करते हो, किस तरह से आप एंट्रेंस एग्जाम में आप अपना परफॉर्मेंस देते हो, किस तरह से आपको परसेंटेज मिलते हैं, सारा डिपेंड्स ऑन योर स्टडी। ओके, और हार्ड वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस है। तो हम पहले बात करेंगे आईटीसी मुंबई। आईटीसी मुंबई इज द बेस्ट कॉलेज, ओके, फॉर द फूड टेक्नोलॉजी। अगर आप चाहते हो कि बढ़िया मुझे प्लेसमेंट मिलना चाहिए दोस्तों फूड इंडस्ट्री में, ओके, अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए, तो आप आईटीसी मुंबई में आप जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए भाई आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होगी। ओके, और यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है आईटीसी मुंबई में फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो मिनिमम पैकेज आपको मिल जाएगा 7-8 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा 100%। आईटीसी मुंबई इज द बेस्ट कॉलेज फॉर द फूड टेक्नोलॉजी। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कोल्हापुर, वहां पे भी आप फूड टेक्नोलॉजी का आपको कोर्स मिल जाएगा। ओके, बाद में संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, यस, अगर आप अमरावती यूनिवर्सिटी से फूड टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो आप वहां पे जा सकते हो, वहां पे भी आपको कोर्स मिल जाएगा। बाद में एमआईटी कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी पुणे, ओके, एमआईटी कॉलेज से भी आप इस तरह के कोर्स कर सकते हो। ओके, तो ये कॉलेजेस इनकी फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी दोस्तों। ओके, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। बाद में है नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव, यस, अगर आपको पता होगा जलगांव यूनिवर्सिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड, बीटेक डिग्री प्रोवाइड की जाती है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा इंजीनियरिंग उसमें कर सकते हो। ओके, तो बाद में वहां पे कंपनीज भी आती है प्लेसमेंट के लिए, तो आपका प्लेसमेंट दोस्तों हो सकता है उसमें से। ओके, इसकी मतलब डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज, आपको किस तरह से आप परसेंटेज मिलते हो उस तरह से आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ओके, बाद में है इंडिया में बात करेंगे तो आईआईटी खड़गपुर, यस, आईआईटी खड़गपुर में भी इस तरह के कोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसमें अगर आईआईटी में से अगर फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लिया तो आपको 15-20 लाख का पैकेज तो आराम से मिलता है दोस्तों। ओके, आपको पता ही है कि आईआईटी का बेनिफिट क्या है, अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है तो भैया आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। बाद में आईआईटी गुवाहाटी ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, यस, अन्ना यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं फूड टेक्नोलॉजी।
बाद में एनआईटी राउर कहलाएंगे सब, एनआईटी से करना चाहते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट से और टेक्नोलॉजी से आप फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी। बाद में है पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा, यस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, ओके। तो इस तरह से कॉलेज है। बाद में है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, ओके, दिस इज ऑल्सो गुड कॉलेज, ओके, फॉर दिस फूड टेक्नोलॉजी बीटेक के लिए। बाद में एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, बाद में है गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम, ओके। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी ये मैंने जो कॉलेजेस बताई है आपको, ओके, ये सारी टॉप कॉलेजेस है फूड टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपको यहां इसमें एडमिशन मिलता है तो भैया आपका, आप सोच लो कि आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाएगा, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा इसमें, ओके, अच्छा खासा पैकेज, अच्छा खासा सैलरी आपको इसमें मिल जाएगा, ओके। तो फीस तो मैंने बताया कि इन कॉलेजेस में, ओके, प्लेसमेंट ये लोग प्रोवाइड करते हैं लेकिन फीस भी उतनी लेते हैं, 1 लाख से लेकर 8 to 10 लाख तक इनका फीस होता है, ओके। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप देख लो कि आप किस तरह के, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, ओके, तो डिपेंड्स ऑन यू। तो कम फीस वाले भी कॉलेजेस है, ओके, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। और सैलरी की तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप टॉप कॉलेज से करते हो फूड टेक्नोलॉजी तो आपको सैलरी तो अच्छी तरह से मिल ही जाएगी, 4 लाख से लेकर 20 लाख तक उनका पैकेज रहता है, अगर आपने आईआईटी से किया तो 20 लाख मिल जाए, तो आपको सैलरी की चिंता नहीं है। और दिस इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक इंसान जिंदा है, मैं फिर से कहूंगा जब तक इंसान जिंदा है तब तक फूड इंडस्ट्री ग्रो होती रहेगी भैया, ओके। तो आप सोच लो, मुझे लगता है कि मैंने अच्छी खासी जानकारी आपको दे दी है, ओके, फूड इंडस्ट्री के बारे में। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, ओके, आप चाहते हो कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, ओके ओके। और तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ऐसा करके, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, ओके। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए ऐसे अलग अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा, ओके, करियर के बारे में हो गया, वैकेंसीज के बारे में हो गया, ओके, आपके फ्यूचर के बारे में हो गया, अलग अलग वीडियोस आपको बनाऊंगा दोस्तों, आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, ओके, और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, ओके, आपके लिए एक बढ़िया पॉइंट टॉपिक लेकर के आऊंगा, तो तब तक बाय बाय।